नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं MIUI SR 13 Neon Edition के बारे में। Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max डिवाइस के लिए MIUI 13 SR Neon Edition का एक नया बिल्ड अवेलेबल हो गया है। Android 12 के साथ एज बिल्ड है अवेलेबल है। यहाँ पर अगस्त का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है ऐड किया गया है, प्लस इस रॉम के साथ जो है ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है। यहाँ पर आपको MIUI 13 के साथ ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस देने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर जो है सभी जो MIUI 13 का जो लेटेस्ट फीचर्स है ऐड किया गया है Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max डिवाइस के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। इस रॉम का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर इस रॉम को डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले अगर बात कर लेते परफॉर्मेंस के बारे में, यहाँ पर हमने कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशंस को रन किया था इस रॉम के साथ। यहाँ पर गीगबेंच 5 के साथ जो सिंगल कोर के साथ 557, मल्टी कोर के साथ जो 1618 का स्कोर है गीगबेंच 5.4.4 के साथ Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर। तो यहाँ पर जो सिंगल कोर प्लस मल्टी कोर का जो स्कोर है काफी बढ़िया है। यहाँ पर जो है काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा। अगर बात करें पर सीपीयू थ्रोटलिंग टेस्ट के बारे में, लगभग 5 मिनट के लिए जो टेस्ट है हमने रन किया था, मैक्स क्या है 148, एवरेज है 142, मिनिमम है 116। यहाँ पर जो 93% का सीपीयू थ्रोटल देने को मिल गया है, मैक्स सीपीयू गया है 2.3 GHz तक। यहाँ पर भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट सेफ्टीनेट पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन से बाय डिफॉल्ट काम करेगा। तो यहाँ पर जो है सेफ्टीनेट बाय डिफॉल्ट पास हो जाएगा इस रॉम के साथ, काफी बढ़िया बात है। नंबर बात कर लेते कस्टमाइजेशन फीचर्स के बारे में। यहाँ पर जो है एंड्रॉइड 12 के साथ MIUI 13 के साथ जो है ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है MIUI SR कस्टम रॉम के साथ। सबसे पहले यहाँ पर जो है MIUI 13 का जो नया वाला जो कंट्रोल सेंटर है, अगर आप चाहो तो यहाँ से एनेबल कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट करते MIUI 13 स्टॉक कंट्रोल सेंटर, इसे सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर जो UI है सिस्टम UI जो है ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा। सिस्टम UI रीस्टार्ट होने के बाद जो है कुछ इस तरह से नया वाला जो UI है एनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको बाय डिफॉल्ट जो MIUI 13 का जो कंट्रोल सेंटर यहाँ पर कुछ इस तरह से देने को मिलता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर MIUI SR का जो कंट्रोल सेंटर इसे आप यूज कर सकते हो। कुछ इस तरह से यहाँ पर जो सिस्टम UI रीसेट होने के बाद जो कुछ इस तरह से UI देने को मिलेगा, काफी बढ़िया है। प्लस यहाँ पर जो है कंट्रोल सेंटर के ऊपर जो मॉनिटर का जो ऑप्शन है इसे आप यहाँ से एनेबल कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो है इस तरह से इसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है, पर जो इसे भी ऑप्शन है। एंड यहाँ पर जो मॉनिटर सिस्टम एप्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर जो आप अलग अलग तरीके से जो मॉनिटर का जो UI है यहाँ से एनेबल कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो है अगर आप चाहो तो पुराना वाला जो कंट्रोल सेंटर उसे भी कस्टमाइज करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है अलग अलग ऑप्शन से। जैसे कि यहाँ पर जो टॉगल को कस्टमाइज कर सकते हो, जो ब्राइटनेस बार है उसे भी कस्टमाइज करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है ब्राइटनेस बार को कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस को ऐड किया गया है। MIUI 13 का जो टॉगल कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है कुछ इस तरह से। यहाँ पर जो है MIUI 13 का जो टॉगल कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, प्लस सर्वर बार कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है iOS जैसा जो वॉल्यूम पैनल है आप यहाँ से एनेबल कर सकते हो, कुछ इस तरह से iOS जैसा यहाँ पर जो है वॉल्यूम पैनल का UI देने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर के साथ जो है UI देने को मिलता है। प्लस नोटिफिकेशन पैनल की अगर बात करें, कुछ इस तरह से iOS जैसे यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन पैनल का UI देने को मिलेगा। प्लस लॉक स्क्रीन की अगर बात करें, कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन के साथ UI देने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर जो है iOS स्टाइल को एनेबल करना होगा। प्लस यहाँ पर जो है 4G आइकन का ऑप्शन है, वॉल्टी आइकन को आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर जो अलग अलग वॉल्टी आइकन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर अगर बात करें चार्जिंग कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, एंड यहाँ पर जो नोटिफिकेशन एंड लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर जो आप iOS स्टाइल लॉक स्क्रीन को एनेबल कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। प्लस नोटिफिकेशन साउंड को डिसेबल करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर नोटिफिकेशन आइकन का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर जो है पावर मेन्यू को कस्टमाइज करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है इसी ऑप्शन से। तो यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन को ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर डायलर को कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, लॉन्चर को कस्टमाइज करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल है, डेफिनेटली इस रॉम को इंस्टॉल करके ट्राई करके देखो। प्लस यहाँ पर जो है MIUI का सभी जो स्टॉक एप्लीकेशन से पर काम करते हैं, पर MIUI का जो डायलर एप्लीकेशन से ऐड किया गया है। प्लस MIUI का जो मैसेजिंग एप्लीकेशन से ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर MIUI डायलर एप्लीकेशन के साथ यहाँ पर जो है मॉनेंट UI का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर जो है कंट्रोल सेंटर, मैसेजिंग एप्लीकेशन सभी के साथ यहाँ पर जो मॉनेंट UI का जो ऑप्शन से काम करता है। प्लस इस रॉम के साथ जो बाय डिफॉल्ट प्ले स्टोर को ऐड किया गया है, बाय डिफॉल्ट GApps देखने को मिल जाएगा, आपको अलग से प्ले स्टोर को इंस्टॉल नहीं करना होगा। प्लस MIUI का जो कैमरा एप्लीकेशन है, जो स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन से भी ऐड किया गया है कुछ इस तरह से। यहाँ पर जो MIUI का जो स्टॉक
कैमरा एप्लीकेशन काम करती जगह पर अल्ट्रावाइड लेंस भी काम करते, काफी बढ़िया बात है। प्लस इस तरह से इस जो ऑप्शन है ऐड किया गया है पर माइक्रो मोड का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, यानी इस भी ऑप्शन से पर पोर्ट्रेट मोड का जो ऑप्शन से काम करते हैं। प्लस पर नाइट मोड का ऑप्शन है, 64 मेगापिक्सल स्लो मोशन टाइम लैप्स इस भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है पर वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम करते हैं। प्लस 4K 30fps का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। पर प्रो मोड का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, वाइट बैलेंस फोकस शटर ISO EV लेंस ऐसे भी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। पर जो है प्रो मोड का जो ऑप्शंस काम कट जाएगा, आप सिंपली यहाँ पर जो है जो MIUI का जो स्टॉक कैमरा इसे आप यूज कर सकते हो इस रॉम के साथ, काफी बढ़िया बात है। अगर बात करें पर कैमरा 2 API के बारे में, पर जो कैमरा 2 API के साथ लेवल 3 का सपोर्ट यहाँ पर जो गूगल कैमरा काम कट जाएगा, GCam यहाँ पर काम कट जाएगा, काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर हमने GCam Go को इंस्टॉल किया था, यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड वीडियो फोटो ऐसे भी जो ऑप्शन से काम करते, बट GCam Go का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा इस बेल्ट के साथ, काफी बढ़िया बात है। एंड अगर बात करें यहाँ पर इस रॉम के साथ जो पर थीम्स को इंपोर्ट करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, अगर आप चाहो तो थीम्स को इंपोर्ट भी कर सकते हो इस रॉम के साथ, जो पर थीम्स को इंपोर्ट करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर इस रॉम के साथ जो पर सिस्टम एप्लीकेशन को डिसेबल करने का जो ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है, अगर आप चाहो तो सिस्टम एप्लीकेशन को डिसेबल भी कर सकते हो, डिसेबल करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, बहुत ही फास्ट आपको जो डिवाइस है अनलॉक हो जाएगा। पर जो है फिंगरप्रिंट सेंसर काम करता है। अगर बात करें पर फेस अनलॉक के बारे में, यहाँ पर फेस अनलॉक को भी ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो फेस अनलॉक काफी फास्ट है, यहाँ पर फेस अनलॉक काफी बढ़िया है, बहुत ही फास्ट आपको जो डिवाइस है अनलॉक हो जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर स्पेशल फीचर्स के ऊपर जो है साइड बार का ऑप्शन है, फ्लोटिंग विंडो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर मेमोरी एक्सटेंशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, 100 मोड का ऑप्शन है, पर गेम स्पेस का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। यहाँ पर होम स्क्रीन के ऊपर जो ऐसे ऑप्शन को ऐड किया गया है, यहाँ पर जो होम स्क्रीन के ऊपर जो डॉक है उसे इनेबल करने का ऑप्शन है, अलग अलग ऑप्शन को ऐड किया गया है कुछ इस तरह से। यहाँ पर जो है होम स्क्रीन के ऊपर डॉक को इनेबल करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर जो है फोल्डर ब्लर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर डिजिबल वॉलपेपर जूम इफेक्ट का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आइकॉन शैडो का ऑप्शन है, ग्लोबल आइकॉन एनिमेशन, अलग अलग ऑप्शंस को ऐड किया गया है। यहाँ पर होम स्क्रीन लेआउट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर बात करें पर बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पर इस रॉम के साथ लगभग 5 hours to 6 hours के आसपास जो पर स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिलेगा 120Hz के साथ। यहाँ पर सेफ बैटरी परफॉर्मेंस मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। ओवरऑल जो बैटरी बैकअप है काफी बढ़िया है, एंड यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर MIUI के साथ ज्यादा अच्छा आपको बैटरी बैकअप देने को मिलता है। एंड कंट्रोल सेंटर के ऊपर जो नोटिफिकेशन इफेक्ट का ऑप्शन है, प्लस सरजर के साथ जो है पर ऐसे भी ऑप्शन से 4G आइकन का ऑप्शन है। यहाँ पर शो नोटिफिकेशन आइकन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर साउंड असिस्टेंट का ऑप्शन है, साइलेंस मोड, डू नॉट डिस्टर्ब मोड का ऑप्शन है, हैप्टिक फीडबैक का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर इस बेल्ट के साथ जो है पर डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन है, हाईफाई ऑडियो का जो ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है, इक्वलाइजर का जो ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है। एंड डिस्प्ले के साथ जो पर रीडिंग मोड का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन को, अलग अलग चार्जिंग एनिमेशन को सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है इस बिल्ड के साथ। बाकी यहाँ पर वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डाटा ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन से काम कट जाएगा कुछ इस तरह से। नया वाला जो कंट्रोल सेंटर इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का जो ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है इस बिल्ड के साथ। जरूर से इस रॉम को ट्राई करके देखो। इस रॉम का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर इस रॉम को डाउनलोड कर सकते हो। नाम पर बात कर लेते हैं, रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर इस रॉम को इस तरह से इंस्टॉल करना होगा। कोई भी कस्टम रॉम को इंस्टॉल करने से पहले मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है आपके डिवाइस को उसका जो है बैकअप क्रिएट करना काफी जरूरी है। एंड सिंपली इस रॉम को इंस्टॉल करने के लिए आपके डिवाइस के ऊपर जो TWRP रिकवरी और ऑरेंज फॉक्स रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए। सिंपली यहाँ पर जो कस्टम रिकवरी को बूट करने के लिए पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करना होगा, उसके बाद आपको जो डिवाइस से कस्टम रिकवरी के साथ बूट हो जाएगा। यहाँ पर हम TWRP रिकवरी के साथ जो इस रॉम को फ्लैश करने वाले है। अगर आप चाहो तो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के साथ भी इस रॉम को फ्लैश कर सकते हो, सिमिलर स्टेप को फॉलो करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर जो कस्टम रिकवरी बूट करने के बाद यहाँ पर जो वाइप में जाके, एडवांस वाइप में जाके डेल्विक डेटा कैशे तीन ऑप्शन को सिलेक्ट करके स्वाइप करके वाइप कर देना होगा। यहाँ पर वाइप होने में कुछ ही सेकंड टाइम लगता है। वाइप होने के बाद सिंपली बैक आके इंस्टॉल में जाना होगा।
इंस्टॉल में जाने के बाद जिस भी फोल्डर के ऊपर अपने इस रॉम को डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाके रॉम को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है स्वाइप करके फ्लैश कर देना होगा। इस रॉम के साथ बाय डिफॉल्ट जी एप्स अवेलेबल है, आपको अलग से जी एप्स को फ्लैश नहीं करना होगा। रॉम फ्लैश होने में लगभग 5 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। रॉम फ्लैश होने के बाद सिंपली बैक आके यहाँ पर जो है रिबूट टू सिस्टम का जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा। एंड यहाँ पर अगर आपके डिवाइस के ऊपर ए जो रॉम है अगर बूट नहीं हो रहा है आपको सिंपली यहाँ पर जो है फिर से TWRP कोड में वापस जाके फॉर्मल डेटा में जाके ये स्टेप करना होगा। तो यहाँ पर जो अगर ए जो रॉम में बूट नहीं हो रहा है तो आपको सिंपली यहाँ पर जो फॉर्मल डेटा करना होगा। फॉर्मल डेटा करने के बाद ए जो रॉम में आपके डिवाइस के ऊपर बूट हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप जो है MIUI 13 का जो SR नियॉन एडिशन को इंस्टॉल कर सकते हो रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। रेडमी नोट 10 प्रो का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अलग अलग कस्टमर का जो वीडियो भी आप चेकआउट करके देखो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।